विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक रायपुर में हो रही है। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल हुए हैं। बता दें, बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हो रही है और इसी के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर भी मंथन हो रहा है। तो वहीं बीजेपी से टिकट मांगने के लिए बड़ी संख्या में लोग बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की यह बड़ी बैठक हो रही है और मंथन हो रहा है दूसरी लिस्ट को लेकर के। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बैठक हो रही है बीजेपी की प्रदेश चुनाव कार्य समिति की, आखिर कितनी खास ये बैठक है और क्या माने जिस तरह मंथन हो रहा है अगली लिस्ट को लेकर के? जल्द हमें लिस्ट देखने को मिलेगी। जी ऋतु, ये टिकट को लेके आगामी जो अभी आने वाली जो नई सूची होगी उसको लेके बैठक हो रहा है। पिछले कुछ दिन पहले 21 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, इसके बाद अन्य सीटों को लेके लगातार मंथन चल रहा है। इसमें उन सीटों पर भी विचार किया जा रहा है जिसमें बीजेपी थोड़ी कमजोर है, ऐसे में मजबूत प्रत्याशी वहां पे जिताऊ प्रत्याशी उतारना चाहती है, इसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कई नामों पर चर्चा हो रही है। ये सूची तैयार करके बीजेपी आलाकमान को भेजेगी, इसके बाद वहां से ही जो निर्णय आना होगा वो आएगा। जल्द ही दूसरी सूची भी जारी हो सकती है और लगातार मंथन का दौर अभी जारी है। जी, मंथन का दौर लगातार जारी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से दूसरी लिस्ट जारी होगी, आखिर बीजेपी का फोकस किस पे है? पहले हारी हुई सीटों पे बात की गई थी, अब दूसरी लिस्ट किस पर बात की जाएगी? वही जो कमजोर सीटें हैं जहां पे बीजेपी हार सकती है या किसी तरीके से प्लस माइनस जैसा कुछ देखा जा रहा है उस पे फोकस किया जा रहा है। जो जो पहले से एमएलए हैं, जो 13 सीटें हैं, उस पर विचार बाद में किया जाएगा। पहले इस पे ही चर्चा हो रही है कि किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। और लगातार ओम माथुर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो रमन सिंह, उनके साथ तमाम आला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर की बात करते हैं। नगर निगम के मेयर और कांग्रेस के 25 पार्षद आज सुबह अचानक रायपुर के लिए रवाना हो गए। बीजेपी ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। कांग्रेस को डर है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान उसके पार्षद क्रॉस वोटिंग ना कर दें, इसीलिए कांग्रेस अपने सभी पार्षदों को लेकर रायपुर रवाना हो चुकी है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ पार्षद उसके संपर्क में हैं, जिससे कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, नगर निगम के मेयर और पार्षद कांग्रेस के रायपुर के लिए अचानक से रवाना हो गए, क्या मायने? देखिए, लगातार महापौर के खिलाफ भाजपा के जो पार्षद दल है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहा है और साथ ही महापौर के कार्य प्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह भी लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसी के तहत बस्तर कलेक्टर को 5 बिंदुओं में भाजपा पार्षद ने आवेदन दिया था और अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी, जिसके बाद 29 अगस्त को तारीख तय किया गया। 29 अगस्त को फ्लोर टेस्ट किया जाना है, दोनों दलों के पार्षद को बुलाया गया। लेकिन आज अचानक ही सुबह एक कांग्रेस पार्टी से एक बड़ी खबर आई कि महापौर अध्यक्ष सहित सभी 25 पार्षद अचानक राजधानी की ओर रवाना हो गए। इस खबर के बाद शहर में चर्चा का जो माहौल गर्म है कि अचानक भाजपा कांग्रेस के जो सत्ता पक्ष है, जो बहुमत है उनके पास, 29 पार्षद अचानक रायपुर क्यों गए? इस बात को लेकर भाजपा तो दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई पार्षद भाजपा के सपोर्ट में, समर्थन में है और वे जब वोटिंग होगा तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग कर भाजपा को समर्थन देंगे। इसी डर की वजह से कांग्रेस के महापौर और सभापति सहित अन्य जो पार्षद है संगठन से उनको बुलावा आ गया, वो राजधानी की ओर रवाना हो गए। हाँ, ये बात तय है कि कल जो सम्मेलन होगा, जो विशेष सम्मेलन बुलाया गया, उसमें भाजपा रहेगी और सम्मेलन में भाग लेगी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई है, अगर वो बहुमत में है तो उनको सामने खड़ा रहना था, लेकिन सभी कांग्रेस के सभी जो पार्षद है फिलहाल राजधानी रायपुर में मौजूद है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास।